An aeroplane when flying at a height of 3125 from the ground passes vertically below another plane at an instance when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree respectively. तो मतलब ये है कि एक एरोप्लेन है वो नीचे उड़ रहा है और दूसरा एरोप्लेन है वो ऊपर उड़ रहा है. तो अब इसमें ध्यान रखना है कि भाई चेक कर ये गलती ना हो जाए कि 3125 किसको देने है, इसमें आप मिस्टेक कर दें. तो होगा क्या, आप एक बार फिर से देखते हैं कि ये तो पता चल गया कि दो प्लेन है लेकिन 3125 किसको मिले ये चेक कर लेते हैं. तो दो प्लेन उड़ रहे हैं भाई, एक ये है और एक ये है. तो उनमें से कोई एक 3125 फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन. तो ये वाला बिलो है, ये वाला जो हिल रहा है वो बिलो है. तो यानी कि इसको 3125 मिली है. अगर इस जगह अबव अनदर प्लेन लिखा होता तो ये वाले को 3125 मिलता. बड़ा ध्यान रखना था इसमें इस बात का, इसीलिए मैंने स्ट्रेस किया. तो जो नीचे वाला है उसे 3125 मिलने वाली है हाइट. और ये नीचे वाला प्लेन है और ऊपर वाला प्लेन मैं बना रहा हूं. दोनों प्लेन्स आए जा रहे हैं हमारे, ये है अपर प्लेन और ये है लोअर प्लेन. लिख देता हूं अपर प्लेन और ये है लोअर प्लेन. इसी हिसाब से पॉइंट्स के भी नाम ले लेंगे, यू एल. अच्छा, ये आपको अब दिया हुआ 30 डिग्री और 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली. तो पहला वाला 3125 है तो इस पे 30 डिग्री आ रहा है और दूसरे वाले पे 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है. और जाहिर है कि 30-60 से ज्यादा है तो बड़ा वाला 60 आप बनाइए. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स. तो अब ये तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसको P मान लेते हैं. जो वर्टिकली बिलो है उसको B मान लेते हैं, अपर और लोअर. अब आपको डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स है तो ये अपर प्लेन ही है, लोअर प्लेन ही है. तो आपको हमें ये कैलकुलेट करके बताना है. तो इस डिस्टेंस को D मान लेते हैं, मार्क भी कर रहा हूं मैं. लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स बी डी. अब बस इस हाइट को, छोटी हाइट को हम लोग एच मान लेते हैं. ये भी काम आएगी कहीं ना कहीं, बाद में उसको हम लोग हटा देंगे क्योंकि एच कैलकुलेट करना नहीं है. ओके, तो ट्राइंगल बड़ा वाला ले लेते हैं फिर छोटा वाला ले लेते हैं. टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू डी प्लस एच डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है बट h हमें 3125 दी हुई है. 3125 डिवाइडेड बाय tb. उसके बाद दूसरी जो tan वाला ट्राइंगल है उसे भी पहले ही लिख लेते हैं. tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय pb. तो बस tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री. D हमें नहीं पता है, H हमें मालूम है 3125, PB हमें नहीं पता है. अब यहां से PB कैलकुलेट हो जाएगा. tan 30 डिग्री होता है 1/√3, H हमें मालूम है 3125, तो PB हो जाएगा कितना, 3125 मल्टीप्लाइड बाई √3. तो अब यहां पर PB मल्टीप्लाइड बाय √3 हो जा रहा है. तो PB की खुद वैल्यू 3125 मल्टीप्लाइड बाय √3 है. 3125 मल्टीप्लाइड बाय √3, एक ये तो PB चल के आया है वहां से और एक √3 खुद है. तो दो बार √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा D प्लस 3125, यानी कि
डी हमारा हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक तरीके से, तो 3125 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 3125, ये 3125 इस साइड चला गया, तो डी की वैल्यू हमारी 2 टाइम्स 3125 हो जाएगी, जो कि हो जाएगा 6250 मीटर। तो यही हमारा आंसर है, यहाँ पे हमने ये वाली इंफॉर्मेशन इधर यूज की है। तो यानी कि जो दो प्लेन्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 6250 मीटर, यानी कि लगभग 6.25 किलोमीटर।